ना तालिबे तारीफ है ना तालिबे मनसब, ना तालिबे तारीफ है ना तालिबे मनसब। कब्र में नेक मोमिन के जिस्म का हाल, क्या मरने के बाद इंसानी जिस्म के आज़ा तहलील होना शुरू हो जाते हैं और वो सिर्फ क्या हड्डियों का ढांचा रह जाता है। काफी बुजुर्गों के बारे में मशहूर है कि इनकी डेथ बॉडी निकाली गई काफी अरसे बाद, तो इनका जिस्म सही सालिम था। इस बारे में वजाहत फरमा दें दानिश मंडी बहाउद्दीन से। देखें, असल तो यही है कि जब भी कोई मरता है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी नेक हो या कोई शहीद भी होता है, तो जिस्म जो है उसका खराब होना शुरू हो जाता है। ये नेचुरल है, मिट्टी खा जाती है उसको, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अल्लाह ने रखा है। इसमें किसी के नेक या बुरे होने का ताल्लुक नहीं। नेक लोगों के जिस्म को भी मिट्टी खा जाती है, पहले कीड़े पड़ जाते हैं, और बुरे लोगों के जिस्म को भी मिट्टी खा जाती है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये नेचुरल है, इसका अच्छे या बुरे अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मर गया, उसकी लाश में कीड़े पड़ गए, तो कभी भी उससे बदगुमान होने की इजाज़त नहीं है। ये कुदरती अमल है, अल्लाह ताला ने तभी कहा है कि बला क़ादिरीन अला नुसव्वी बनाना। मुशरिकीन यही कहा करते थे ना कि हम मर के मिट्टी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो जिंदा कैसे होंगे। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नहीं, नेक लोग ख़त्म नहीं होते, बुरे ख़त्म होते हैं, बल्कि अल्लाह ने कहा कि मैं इस पर कादिर हूँ कि तुम्हारे जर्रात को दोबारा जमा करूँ और इंसान बना के खड़ा कर दूँ तुम्हें अपने सामने। लिहाजा पहली बात तो ये खूब जहन में रखें, इसका नेक या बुरे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी के जिस्म को कीड़े खा के ख़त्म कर देते हैं, उसमें बदबू पैदा हो जाती है। अलबत्ता ये है, ज़रूर है कि बाज़ दफ़ा करामत के तौर पर कोई नेक आदमी होता है, उसकी करामत का एक असर होता है। वो असर में ये होता है कि अल्लाह उसके जिस्म को सलामत रख लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे सहाबा थे जिनके जिस्म सलामत थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत के बाद दफन किया गया, तो जहाँ दफन किया गया, मेरा ख्याल है 60-70 साल या 100 साल के बाद उनकी मैयत को निकाला गया, वहाँ सैलाब आ रहा था, तो आपका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। ईरान में बाद साहबा की कब्रें खुली हैं, तो वो उसकी बाकायदा वीडियो बनाई गई है कहा जाता है, और वो खबर बड़ी मशहूर भी हुई थी हमारे बचपन में, लोग हमें बताया करते थे। अब पता नहीं हमारे बचपन का वाकया या उससे पहले का वाकया, लेकिन खबर हमें बड़ी मशहूर हुई थी, फिर ही हमने दूसरे ज़राए से तस्दीक भी की। तो साहबा के जिस्म बिल्कुल सलामत थे। तो खैर, इस जो ईरान में वाकया हुआ, मुझे 100% इसका यकीन नहीं है, आप दूसरे अहले इल्म से आप पूछ सकते हैं, यानी कि वाकई ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन मैंने खुद शुहदा के जिस्म देखे हैं, कई कई दिनों बाद, कई कई हफ्तों बाद भी सही सालिम, ये मैंने तो खुद मुशाहिदा किया इसका। और सिर्फ सही सालिम जिस्म नहीं, बल्कि जिस्म से खुशबू भी आ रही है, खून से खुशबू आ रही है। तो शुहदा के खून में खुशबू आना या उनके जिस्मों का, बहुत सारे ऐसे भी देखें, बहुत सारे तो नहीं, यानी बाद शुहदा ऐसे भी देखें कि जिनके जिस्म खराब हो गए और बदबू आना शुरू हो गई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे भी शहीद देखें जिनका जिस्म कई कई हफ्तों तक सलामत रहा और उनसे खुशबू भी आती रही। हजरत मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ कितने बड़े दरस कुरान उनका हलका हुआ करता था। जब उनको शहीद किया गया है, तो उनका बेटा मेरा शागिर्द है, तो बेटे ने खुद बताया कि हमने 6 महीने के बाद वालिद साहब की कब्र खोली। वजह उसकी ये थी कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी। कहने हमने इरादा किया उनको यहाँ से निकालते हैं, तो जब कब्र खोली है तो बिल्कुल जिस्म भी सही सलामत था और बेतहाशा उसमें से खुशबू भी आ रही थी। तो ये करामत ऐसी है जो मुसलमानों में होती रहती है, जो एक नॉर्मल है। शुहदा के साथ तो बहुत ही होती है, खून से खुशबू आ जाना या जिस्म का सलामत रहना, तो ये जो ऐसा होता है बाज़ बुजुर्गों के साथ। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये काफिर के साथ भी होता है, खूब समझ लें, लेकिन वो सूरत में होता है कि उसकी बॉडी जो है ना, गैर मुस्लिम की बॉडी की रुतूबतें खुश्क हो चुकी होती हैं। बाज़ ऐसे वाकयात हुए कि वो, लेकिन उसकी वजह कोई करामत नहीं होती, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि ऐसी बीमारी में डेथ हुई होती है कि बॉडी का सारा पानी खुश्क हो गया। तो जब किसी की ऐसी बीमारी में डेथ होती है ना कि सारा पानी बॉडी का बिल्कुल खुश्क हो गया, तो फिर और फिर दफन ऐसी जगह पे किया गया, बाज़ दफ़ा ये भी तो होता है ना कि जिस जगह दफन किया गया है वो कैसी जगह है, टेम्परेचर क्या है उसका। अब किसी को आपने नॉर्वे में के जो है ना -40 टेम्परेचर में दफन कर दिया, तो शायद वो तो वैसे ही सही सलामत रहे कई हफ्तों, कई महीनों तक, तो इसका इससे भी ताल्लुक होता है। लेकिन हमने जो शुहदा देखे हैं ना, वो तो एक नॉर्मल पाकिस्तान के टेम्परेचर पे ही देखे हमने, गर्मी वाले टेम्परेचर में, और कोई उनकी बॉडी की रुतूबतें और पानी भी खुश्क नहीं हुआ था,
उसके बावजूद वो कई कई हफ्तों तक सही सालिम रहे, और कई कई हफ्तों तक क्या, हमने तो देखा कि वो उनकी बॉडी खराब ही नहीं हुई, तो फिर उसी तरह से दफनाया गया। तो अब ये एक अलग बहस है कि इतने हफ्ते तक दफनाया क्यों नहीं गया उनको, इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, अभी बात लंबी हो जाएगी। बास दफ़ा ये होता है कि दफना दिया जाता हो जाया गया होता है, फिर वो कब्र से उनको शिफ्ट किया जाता है कहीं और, तो शिफ्ट करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है, बाद शुहदा ख्वाब में आके बता रहे होते हैं कि हम जहाँ कब्र में आराम कर रहे हैं वहाँ पर पानी आ रहा है, सैलाब आ रहा है, जैसे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में ख्वाब आया था, तो इस तरह से होता है, तो फिर वहाँ से उनको निकालना पड़ता है। वरना नॉर्मली मैयत को जब एक जगह दफन कर दिया तो वहाँ से उसको निकालना जायज़ नहीं है, खूब समझ लें।